जिले से आ रही खबर, जहां छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में 3 दिवसीय शांति पूर्वक धरना करने के पश्चात उन्होंने जिला मुख्यालय में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर अपनी 6 सूत्री मांग पत्र माननीय श्री भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के नाम से ज्ञापन सौंपा। और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सरकार हमारे बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। सभी तर्क न्यूज सच की आवाज, बीजापुर जिले से सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। सर, आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, आपकी कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर के आज 3 दिवसीय धरना भी दिए हैं, उसके पास आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, बताइए। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान कल्याण संघ की ओर से प्रस्तावित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्देश अनुसार हमने पिछले 3 दिन से 6, 7, 8 तारीख के निर्धारित धरना प्रदर्शन करना था, और धरना प्रदर्शन करने के बाद हम लोग आज 8 तारीख के कलेक्टर आके ज्ञापन दिए हैं 6 सूत्रीय, जिसमें हमारी मेन मांगे हैं मानदेय देना हमको छत्तीसगढ़ के सारे विक्रेताओं को, और शुल्क 3% देना, सर्वर की समस्या में सुधार करना, और कमीशन बोरे की कमी राशि एवं वित्तीय पोषण राशि सेल्समैन खाते में डायरेक्ट देना, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। सर, अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? मैं तिरुपति कटला, विक्रेता संघ जिला अध्यक्ष।